एनसीईआरटी कक्षा 2 रिमझिम भाग 2 पाठ 4 अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। यदि वह इतने जोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते और वह उतर जाता। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे कूलर एसी में बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। बताओ कि इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले हम देखेंगे सूरज और हवा। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता। हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी से अधिक विशालकाय क्यों न हो, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहां रहने वाले लोग जलने लगे। ये सब अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। पानी, पानी प्रलय ले आएगा। बहुत अधिक पानी से बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ डूबने लगेगा। बादल, बादल गर्जना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे।
पहाड़ पहाड़ अपनी चट्टानें गिराने लगेंगे। सर्दी सर्दी अत्यधिक ठंडा पैदा कर देगी। मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? हवा यदि ऐसा कहती, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, इस कहानी में हवा जीत जाती, क्योंकि हवा के वेग से गड़े तंबू जल्दी उखड़ जाते। सूरज अपनी तपन से तंबू के रंग को उड़ा सकता था, परंतु खड़े तंबू को वह गिरा नहीं सकता था। अतः हवा की जीत निश्चित थी। ता ज म ह ल, यहाँ पर कुछ शब्द छिपे हैं जिसको हमें ढूंढना है, जैसे कि ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। इसी तरह क म ल क कड़ी, इनमें से आपको कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे कि कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी इत्यादि। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि इन शब्दों की जगह हम और किन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक की जगह ज्यादा, शरीर की जगह देह, फायदा की जगह मुनाफा, झगड़ा की जगह लड़ाई, सर्दी की जगह ठंड। धन्यवाद।